नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर मध्य प्रदेश से। वसूली वाज दो निजी कंपनी के कर्मचारी पकड़ाए, महापौर ने पुलिस को दी सूचना, देखे किस तरह से कर रहे थे वसूली। जी हां, खबर रीवा से है, जहां नगर निगम के द्वारा कराए जा रहे सर्वे में लगे दो निजी कंपनी के कर्मचारियों को महापौर अजय मिश्रा बाबा ने पकड़ा है। दरअसल नगर निगम के द्वारा नियो जियो नाम की हरियाणा की कंपनी को प्रॉपर्टी सर्वे का काम किया दिया गया है, जिसके कर्मचारी योगेश त्रिपाठी और शुभम मिश्रा वार्ड नंबर 41 में पहुंचे थे, जहां प्रॉपर्टी कम दिखाने के नाम पर पैसों की मांग कर रहे थे। दोनों कर्मचारियों की वसूली का वीडियो बनाकर युवक ने महापौर अजय मिश्रा बाबा को भेजा, जिसके बाद तत्परता दिखाते हुए महापौर में दोनों कर्मचारियों को अपने चैम्बर में बुलाकर पूछताछ की, तो आरोपी दोनों कर्मचारियों ने वसूली की बात स्वीकार की। आइए दिखाते हैं किस तरह से शहर में दोनों कर्मचारियों के द्वारा वसूली की जा रही थी। बने रहिए प्राग एक्सप्रेस न्यूज के साथ, आपकी खबर हमारी नजर। कुछ दिखा के आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। मैंने इसलिए आपसे राय ले ली ना, मुझको वो वाला भी घर दिखा, ये वाला भी घर, मैं लोगों को पूछ लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए क्या है लेकिन शाम को करवा दीजिए, क्योंकि मेरे को शाम को जाके लेना पड़ता है। अभी डाटा कर रहे हो कि नहीं कर रहे? डाटा मैं भी कर रहा हूँ, उसका तो मैं भी कर रहा हूँ, उसका मैं फोन रहा हूँ। देखिए कोई वाइल है 669150, ये किसका नंबर है आपका? यही नंबर डाल देता हूँ मैं, उसको माइनस करिएगा, व्यवस्था हमारी नहीं बन पाएगी, क्योंकि अब 4 दिन से बैठा है, 15 कर देंगे, 15 कर देंगे, 15 ले जाए, चलिए कोई बात नहीं। मेरा नाम योगेश त्रिपाठी। क्या शिकायत क्या की? हमारे नाम से कोई शिकायत नहीं है। क्या समस्या क्या रही? समस्या कुछ नहीं, मैं उठ के चला गया था। पैसे से कोई मांग? मेरे से कोई बात नहीं हुई पैसे वैसे की किसी भी तरीके से, क्योंकि उनके घर में जाता ही नहीं, जिनसे मतलब बात होती है, जिनके घर मतलब गए थे हमारे साथी, उनसे हमारा कोई मतलब है। पहले जब चुनाव का टाइम था, उस टाइम पे मतलब हमारी उनकी बहस हो गई थी, उनके घर हमारा आना जाना नहीं है, ना कि पैसे का लेन देन कुछ मैंने बोला, ना किस तरीके से हमारी बातचीत उनसे हुई। जी हाँ जी, हमारी कोई बातचीत उनसे नहीं हुई। मेरा नाम शुभम मिश्रा है। किस तरह की शिकायत थी? क्या शिकायत वही थी कि उन्होंने बोला कि पैसे की डिमांड, उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि अगर मेरे को स्क्वायर एरिया कुछ कम करवाना है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने उनको डायरेक्ट ऐसा नहीं बोला कि मेरे को पैसा दे दीजिए, मैं आपका स्क्वायर एरिया कम कर दूंगा। उन्होंने मेरे को बोला आप शाम को मेरे घर आइए, मैं आपको कुछ ले दे के आपको, आप मेरा काम कर दीजिए। मैंने उनको ऐसा नहीं बोला कि आप मेरे को पैसे दीजिए फिर मैं आपको काम करूँगा, तो उसी के थ्रू उन्होंने वीडियो बनाई और वो शिकायत कर दी। इस चीज़ को लेकर ये पूरा मामला, ये पूरा सर्वे के था, मकान टाइप का सर्वे होता है, अपन सर्वेयर टाइप में वहाँ पर काम कर रहे हैं। किस एजेंसी के अंदर काम कर रहे हैं? नियो जियो कंपनी के। ये GIS का सर्वे 18/1/2000 को बंद हुआ है, 2022 18/1/2022 को बंद हुआ है, और ये नियो जियो स्कोप करके हरियाणा की कोई कंपनी है, इसके शशि रंजन पांडे हेड हैं यहाँ के, ये शुभम मिश्रा योगेश त्रिपाठी ये वार्ड नंबर 41 में ये सर्वेक्षण कर रहे थे, GIS सर्वे कि नगर निगम द्वारा करवाया जा रहा है, तो इन लोगों ने वहाँ एक व्यक्ति से पैसे की डिमांड की, उसने बोला कि ये बहुत बड़ा घर है इसको छोटा कर दो, तो इन लोगों ने उनसे पैसे की डिमांड की। शिकायत पहले भी हमारे पास आई थी कुछ जगह से फ़ोन, मैंने बीच में वार्निंग दिया था इनके कंपनी के लोगों को कि अब यहाँ पर भरोसा नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, आपके पीछे आदमी हमारे लगे हुए हैं, अगर आप जहाँ गड़बड़ी करेंगे वहाँ पकड़ में आ जाएगा। वार्ड नंबर 41 में ये बात जब हमारे सामने आई तो मैंने तुरंत वहाँ बोला कि आप इसका वीडियो बना लो, तो ये 2000 रुपये की डिमांड कर रहे थे, और उस आदमी ने कहा कि आपको शाम को दे देंगे 1500 रुपये में मामला निपटवा लो। इसके बाद ये वीडियो मेरे पास आया, तो चूंकि ये परसों का वीडियो आया हुआ है, नया साल था, तो हमने कहा नया साल किसी का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आज मैं इनको बुलवा कर इनसे पूछा पहले, तो इन्होंने अपनी झूठी बातें बताई, जब हमने वीडियो दिखाया तो बात सत्य हो गई। तो मैं
इनके खिलाफ जो हमारे नगर निगम से कार्रवाई होगी तो होगी ही होगी। मैं आपके माध्यम से रीवा के संभ्रांत नागरिक प्रभु जनों से बोलना चाहता हूँ कि जो GIS सर्वे है ये आपकी सुविधा के लिए है, इसका आप अच्छे से सर्वेक्षण करवाएं और जो इस तरह के लोग पैसे की डिमांड करें उसको तत्काल हमारे मोबाइल में उनके नाम के साथ बताएं और उनकी फ़ोटो खींच लें जिससे हमको जानकारी हो जाए। ये जन जागरूकता मैंने चालू कराई थी उसका ये पहला उदाहरण सामने आया है। तो मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी भ्रष्टाचार बेईमानी और घूसखोरी की बात हो तत्काल हमको सूचना दें, हम उस पर कार्रवाई करें। उनकी क्या कंपनी के ऊपर भी ब्लैक लिस्टेड किया जाए दूसरी सर्विस कंपनी दूसरी कंपनी से? नहीं, अभी तो इनका तो ID कार्ड उड़कर इनका जब्त करा लिया जाएगा, कार्रवाई कंपनी के ऊपर कमिश्नर करेंगे। अभी और भी पूर्व से भी ये काम कर रहे हैं तो कितने और लोग को भी घपला किए? नहीं, अभी तो दो तीन लोगों की कंप्लेंट आई थी, दो तीन को हटवा दिया था, प्रूफ नहीं था, इसका प्रूफ आ गया, वीडियो भी सामने आया। तो जब इस तरह के वीडियो सामने आएंगे प्रूफ आएंगे तभी अपन कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ये हम लोगों ने ये कार्रवाई की है, कमिश्नर को इसकी सूचना दे देंगे, कमिश्नर इस पर कार्रवाई करेंगे।